एक साथ दूसरी ज्ञान होता है, दो ज्ञान घट और पट मेघ और पृथ्वी, इन दोनों की दृष्टि दोनों का ज्ञान एक साथ नहीं होता। तो घटक ज्ञान मन सदाकार दृष्टि में दृष्टि होती है, तब सदाकार दृष्टि होती है, सदाकार दृष्टि निवृत्त होती है, समाचार दृष्टि होती है। इसलिए प्रवृत्ति निवृत्ति जो है वो दिवपत चलती है, एक साथ चलती है। घटाकार की निवृत्ति हुई, घटाकार की प्रवृत्ति हुई, घटाकार की निवृत्ति हुई, घटाकार की प्रवृत्ति हुई। ये व्यवहार में प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों जरूर है, ये चलती रहती है। तो देखो हमारी इंद्रियां विषयों को ग्रहण करते हैं, ये प्रवृत्ति है। अब वहाँ से निवृत्त होकर के इंद्रियां इंद्रिय गोलक में ही रहने लगे, ये निवृत्ति हो गई। अब मन जो है वो निवृत्ति को ग्रहण करता है, तो इंद्रियों से निवृत्त होकर भगवत रूप में आ गया, इसका कार्य हो गया। तो विषयों से निवृत्ति हुई और प्रयोगाकार वृत्ति हुई। तो प्रतिक्षण प्रत्येक प्राणी के जीवन में प्रवृत्ति और निवृत्ति ये करती है। तो यदि वैराग्य होगा, कुछ अंतकरण होगा, तो वासना का उदय नहीं होगा, तो वृत्ति की चंचलता भी नहीं जाएगी। इसलिए जो सहज प्रवृत्ति निवृत्ति हो रही है उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। अब देखोगे कि सबकी निवृत्ति होने पर अपना स्वरूप रह जाता है, ज्ञान स्वरूप। अब जब ज्ञान स्वरूप रह जाता है तो प्रश्न ये है कि ज्ञान स्वरूप एक है कि अनेक है, कि संपन्न है कि अपरिच्छिन्न है। तो ज्ञान स्वरूप किसी ज्ञान का विषय तो है, ज्ञान स्वरूप आत्मा किसी ज्ञान का विषय नहीं है। स्वभिन्न संबंध संबंध है, स्वयं संबंध रूप है और अपने से भिन्न संबंध की अपेक्षा नहीं रखती और संबंध का विषय नहीं है। संबंध विषय कौन, संबंध का विषय भी नहीं है। तो किसी भी प्रमाण या अनुभव के द्वारा ये निश्चय नहीं हो सकता कि ये ज्ञान स्वरूप आत्मा ज्ञान आत्मा अद्वितीय है। उस अद्वितीयता के बोध के लिए सिर्फ स्थिति प्रमाण की आवश्यकता होती है। कुछ सामने से अगर बता दे तेरे भाई तू तो ज्ञान स्वरूप है और अद्वितीय है, तो दीर्घाकार कल्पना तो वृत्ति है, कालाकार कल्पना भी दृष्टि है और द्रव्याकार कल्पना भी दृष्टि है, सजातीय प्रत्यय का प्रवाह भी दृष्टि है, विजातीय प्रत्यय की निवृत्ति भी दृष्टि ही है। तो ऐसी अवस्था में जब संपूर्ण वृत्तियों का अपवाद कर दिया जाता है, तो अपवाद करने के बाद जो ज्ञान अथवा आत्मा दोनों में से कोई शब्द करो, उसकी अद्वितीयता का बोध कराने के लिए श्रुति वाक्य की महावाक्य की आवश्यकता है। तो नेति नेति के द्वारा आत्मा के जो अन्य भाषमान है उसका निषेध कर देने के पश्चात जो अवशिष्ट आत्मा है, निषेधावशिष्ट जो आत्मा है उसको स्थिति कहती है अयम आत्मा ब्रह्म। ये आत्मा जो है अभिनय में दर्शती अयम आत्मा ग्रोयम अतीत विशेष निषेधा अवशेषा तदुपलक्षित अवशेषों पर लक्षित आत्मा एक ज्ञान।
ये दृष्टि प्रवृत्ति तो निरंतर चलती रहती है। ब्रह्मचर्याश्रम की निवृत्ति हुई, अनाश्रम की निवृत्ति हुई, संजय गज्ञ को हिंदा भी संस्कार से ब्रह्मचर्याश्रम की प्रवृत्ति हो गई। ब्रह्मचर्याश्रम की निवृत्ति हुई तो गृहस्थाश्रम की प्रवृत्ति हो गई। गृहस्थाश्रम की निवृत्ति हुई तो वानप्रस्थाश्रम की प्रवृत्ति हो गई, और वानप्रस्थाश्रम की निवृत्ति हुई तो आश्रमों की संन्यासाश्रम की प्रवृत्ति हुई। और नारायण ये सब वर्णाश्रम जो है वो केवल देह से संबंध रखते हैं, और सब देह में यदि पूरा विचार करें तो सत्तांग अन्नमय को पूर्व शरीर जागृत अवस्था सत्तांग और स्वप्नावस्था सत्तांग और कारण शरीर जो है वो अविद्या और अविद्या की दृष्टि में ही देश कालादि का परिचय। तो अविद्या की निवृत्ति यही अविद्या की निवृत्ति ही प्रपंच की आत्यंतिक निवृत्ति है, और इस निवृत्ति से उपलक्षित जो आत्मा है वो देश कालादि परिचय ग्रहित परिच्छेद सामान्य चिंता भावों पर लक्षित यही आत्मा है। इसलिए ये ज्ञान स्वरूप आत्मा ही मुक्ति है, मोक्ष है। बाबा की स्थिति जो मैंने लिखी है ना, उसमें जो है जीवन मुक्त विशिष्टता गत विगत प्रकुर मुक्ति रिश्ते की कृष्ठा। बाबा से प्रश्न किया गया कि जीवन मुक्ति श्रेष्ठ है कि विधेय नहीं। पुस्तकम जो नवृनाथ उभय अति मिलता, जीवन मुक्ति और विधेय मुक्ति दोनों मिथ्या है, ये उन्होंने स्पष्ट कर। क्योंकि विधेय मुक्ति साधु है और जीवन मुक्ति जो है वो भी साधु है और शांत भी है। देह के अनंतर जीवन मुक्ति क्या है? मोहापायोपलक्ष्य स्वयमय मभयो मुक्तिरात्मय नान्या। अज्ञान के निरसन से निराश से उपलक्षित जो अपना आत्मा है उसी का नाम मुक्ति है। पूर्ण आनंदाय तस्मै प्रणहित मनसा संद देहम नमाम की। जीवन मुक्ति विशिष्टता गत विगत बहुल मुक्ति पृष्ठ पुस्तकम जो गृहनाथ उभय मतमृता साधिता शांतता ज्ञान मोहापायोपलक्ष्य स्वयं अयम अभयो मुक्तिरात्मय नान्या। पूर्णानंदाय तस्मै प्रणहित मनसा संदेह नमाम। प्रमाता और दृष्टा ने क्या अंतर? प्रमाता जो है वो तो प्रमाण सापेक्ष ही है, जो प्रमाण के द्वारा प्रमेय का साक्षात्कार करेगा वो प्रमाता है, और जो बिना प्रमाण के करना मिले ही हो, बिना करण के बिना दृष्टि के दृष्टि के अभाव को दृष्टि संजीना अभाविता संपूर्ण दृष्टियां दृष्टियों की संधियां और दृष्टियों का अभाव जिसके द्वारा प्रकाशित होता है कर्म निर्विष्ट साक्षी होता है। साक्षात दृष्टि संज्ञायाम साक्षी संज्ञा है, परंतु साक्षात दृष्टा के लिए है जिसमें आप कान नाक आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मन बुद्धि किसी की अपेक्षा नहीं, जो सुसुप्ति का भी दृष्टा है। सुसुप्ति में तो सर्वथाई करण नहीं है, उस सुसुप्ति का भी जो दृष्टा है वही समाधि का भी दृष्टा है, वही प्रलय का भी दृष्टा है। यदि
उत्पत्ति के प्रभाव का भी दृष्टा है, प्रध्वन का भाव का भी दृष्टा है, अत्यंत का भाव का भी दृष्टा है, परंतु परिणाम से नहीं हुआ। कर्म के बिना, इंद्रियों के बिना, औजार के बिना, चश्मा लगाए बिना, ये इंद्रियां जो है ना चश्मा की तरह है, मन है बुद्धि है ये चश्मा की तरह है, उसकी छुट्टी जो है कोई नहीं देती है। और हमारे बाबा तो कहते थे कि सुसुप्ति की स्मृति नहीं होती है, सुसुप्ति की कल्पना ही होती है, मन आदि कर्मों के साथ तादाद में हो जाने के कारण उनकी सुसुप्ति का अपने में अध्यारोप करके हम बोलते हैं कि हम सुखता है, पर सुखा आत्मा का स्वयं तो कभी होते ही नहीं। तो ये जो बुद्धि आदि कर्म है उनकी सुसुप्ति का अपने में अध्यारोप करके अभ्यास ये स्मरण होता है कि हम सुखता है, असल में खुशी होती है। और खुशी नहीं होती तो क्या होता है, अध्यास के कारण ऐसा मालूम पड़ता है कि खुशी की स्मृति हो रही है। वस्तु का ये नवीन कल्पना है, दृष्टि है, ये दृष्टि है, खुशी स्वप्न जागृत ये केवल दृष्टि मात्र है, दृष्टि दृष्टि बाद में देना है। और जबकि हमको जागृत स्वप्न की सुखी ज्ञात होते हैं तब हम इनको दृष्टि रूप कहते हैं, यदि हम व्यवहार में दृष्टि न बोले तो ये दृष्टि सृष्टि है ये भी कहने सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मात्र वस्तु में दृष्टा और दृष्टि का व्यवहार भी लौकिक दृष्टि से ही है, इसलिए प्रमाता और प्रमाण प्रमेय की जो स्थिति है वो तो देव इंद्रियादि की अपेक्षा से है, और दृष्टा जो है वो कर्ण निरपेक्ष है, और दृष्टा का जो ब्रह्मत्व है वो श्रुति से कर्म है। दृष्टा को दृष्टि से अनुमान से भी सांख्यों ने दृष्टा को सिद्ध किया है, परंतु दृष्टा का ब्रह्मत्व जो है वो अनुमान से सिद्ध नहीं हो सकता, वो केवल श्रुति प्रमाण से ही सिद्ध हो सकता। और एक बार श्रुति को प्रमाण मान करके जहाँ दृश्य प्रपंच का अपवाद किया वहाँ अपने अधिष्ठान में तो प्रकाश अधिष्ठान में दृश्य प्रपंच की कोई सत्य नहीं बाधित हो गया नारायण। इसलिए ये श्रुति जन्म पदार्थ है, पर अंतर ये है कि श्रद्धा से श्रुति को मानना है तब तो स्वर्ग होगा, बहुत बढ़िया ब्रह्मलोक होगा, ब्रह्मलोक में मुक्ति होगी ये भी हम मान लेते हैं, परंतु ये तो अनुभव पर जो काम है, जब श्रुति ये बोध कराती है कि आत्मा अद्वितीय है, ब्रह्म है, इसकी अतिरिक्त कुछ नहीं है, तो ये कोई अदृश्य की उत्पत्ति के लिए नहीं है, ये तो इसी समय इसी देश में इसी काल में ये साक्षात्कार है, इसलिए अविद्या की निवृत्ति ही वेदांत का सर्वस्व है, अविद्या की निवृत्ति। अहम आत्मानं ब्रह्म जाना में इस फल व्याप्ति की आवश्यकता नहीं है, जाना भी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यात्रिदेय भाव कर्तृकर्म कर्तृकर्म विरोध होने से संभव नहीं है। कहते हैं अहम मनुष्य, ऐसे व्यवहार में जैसे कोई मनुष्य अपने को मनुष्य कहे तो उसमें कोई दोष नहीं है, वैसे यदि चित्त को समझाने के लिए गुरु अपने को ब्रह्म कहे तो उसमें कोई दोष नहीं, ये तो व्यावहारिक है। तो हम विचारो वपुरात्म भावे साहार्यकारी परमार्जन बुद्धि तत्व सपुनर्थो यथा नरत्व प्रभे नरस्य। जैसे जो अपने को मनुष्य रूप में जानता है उसको ये प्रमाणित करना कि तुम मनुष्य हो आवश्यक नहीं है, इसी प्रकार जिसने अपने स्वरूप को जान लिया
उसको ये प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है कि श्रुति के कहने से तो ब्रह्म हुए हो। अरे ब्रह्म तो थे ही नहीं जानते थे, उस अज्ञान को श्रुति ने मिटा दिया। ये असल में बोध के बोध का जो अनुभव है उसका प्रकाश भी है, पर क्रिया के प्रयोग के बिना कोई वाक्य बनता नहीं है। क्योंकि प्रज्ञान ब्रह्म अति बोलना पड़ेगा, तत्ववाक्य में अति क्रिया बोलना पड़ेगा, अयम आत्मा ब्रह्मैव अस्ति ऐसे बोलना पड़ेगा। तो क्रिया पद के प्रयोग के बिना कोई बात से पूर्ण नहीं होता। तो जहाँ क्रिया पद का प्रयोग प्रज्ञान ब्रह्म अस्ति अयम आत्मा क्रियापद के बिना कोई बात तो होता है। तो तत्वमसी में अति क्रियापद है और हम ब्रह्मासी में अति क्रियापद है, और प्रज्ञान ब्रह्म और आत्मा ब्रह्म में क्रियापद का अध्ययन कर देना चाहिए। क्रियापद के प्रयोग के बिना अब सुबंध का तो प्रयोग हो गया, परंतु सुबंध का प्रयोग नहीं हुआ तो पद संपद ही नहीं बनेगा, और पद न बनने से पद समूह को तो बात से बोलते हैं ना। भक्त ने पूछा, सब व्यभिचारी अनपाई पनीर खड़ा ये तीनों भक्त है क्या? अनपाई अब व्यभिचारी पनीर खड़ा देखो, अनपायनी का तो अर्थ है अविनाश, जिसका आगे कभी नाश नहीं हृदय विभुमण श्रावण वक्तृवाणम पूर्णत्वे प्रतिभा निजरूपि घटया शाश्वतम ध्वंसे संवानम संप्रदोष नव नव रसता संपद मादन स्वाद अद्वैतम नव निराधा अनंत विजयो अद्भुतम भावचंद्रम अभिन स्वरा कौन पालनी माने जिसमें क्षय न हो, तीव्रता न हो, अपाय माने क्षय, जो भक्ति कभी समाप्त न हो बल्कि दिन प्रतिदिन प्रतीक्षा वर्धमान प्रतीक्षा वर्धमान हो, जिसका नाम अनपायी और दूसरा क्या अव्यभिचारिणी अव्यभिचारिणी का अर्थ है कि स्थान है मनुष्य के प्रति, स्थान में देवता के प्रति, स्थान में भगवान के प्रति विचार न हो, भक्ति में अपने इष्ट देव को छोड़ करके अन्य विषय प्रति दृष्टि न हो, अनन्यास अनन्यास चिंतो नाम ये जना प्रतिपाद से श्रीषा मिथ्यादृष्टा नाम योगक्षेम वहां अनन्यास वस्तुता प्रतिपाद से देवता नित्यादिता चालक जिसने अपने इष्टदेव के द्वार दूसरी वस्तु दूसरा समय दूसरा काल सब समय सब स्थान में सर्व रूप में परमात्मा का चिंतन हो, हर सर्व इसलिए भी वही हुआ अनंत के साथ सततम योगाम नित्यता सत्याम सुरगा पार्थ नित्य युक्त योगिना मां के लोग व्यभिचारे न भक्ति योगे न सेवते मरिचारण्य योगे न भक्ति व्यभिचारे माने परमात्मा के सिवाय और किसी का चिंतन न राजद्वेष पूर्वक न हो,
तो ये विशिष्ट जो परमात्मा का चिंतन है उसको सर्वोत्तम कहते हैं, और वो क्षण क्षण में नदी नदी का उदय प्रतिष्ठा और गण क्षण यह नवता न पड़ेगी तदेव रूपम रमणीयताया वाले कितना बढ़िया बोलते हैं। जिन गुण यौवन रूप धन गुण की अपेक्षा के बिना, रूप की अपेक्षा के बिना, धन की अपेक्षा के बिना, यौवन की अपेक्षा के बिना, जिन गुण यौवन रूप धन दिन स्वार्थ स्वार्थ के बिना एक ज्ञान दिन स्वार्थ एक ज्ञान शुद्ध कामना तय रहित प्रेम है रक्षा एक प्रेम का गुण रहितम कामना रहितम प्रतीक्षण वर्तमान अभिच्छिन्न सूक्ष्मतम अनुभव रूपम ये प्रेम की सुंदरता है। हो गई अव्यभिचारिणी और तीसरा शब्द है निर्भरा उपाय और ये वैष्णव लोग कहते हैं कि उपाय और उपेय एक ही होना चाहिए। उपाय हो अन्य और उपेय हो अन्य, तो उपेय की प्राप्ति हो जाने पर उपाय का परित्याग हो जाता है। नौका से नदी पार करने पर नौका का परित्याग हो जाता है। तो यदि उपेय की प्राप्ति के लिए उपाय रूपा भक्ति है तो उपेय की प्राप्ति हो जाने पर उसका भी परित्याग हो जाएगा। जैसे अविद्या निवृत्ति हो जाने पर विद्या की आवश्यकता नहीं होगी, या द्वैत वेदांतियों का जो है ये है ना कि अविद्या निवृत्ति हो गई और अब विद्या की भी अपेक्षा नहीं रही। तो यहाँ भक्ति रूप उपाय के द्वारा भगवत प्राप्ति हो जाने पर भक्ति की भी अपेक्षा न रहे ऐसा भक्ति सिद्धांत के मान नहीं है। भगवत प्राप्ति हो जाने पर भी भक्ति बन जाए, भगवत प्राप्ति हो जाने पर भी जब तक जीवन है जब तक अंतकरण है तब तक उसमें भक्ति बनी रहे। और तत्व ज्ञान में ये अपेक्षा नहीं है कि अविद्या निवृत्ति के पश्चात ब्रह्माचार वृत्ति बनी रहे या ब्रह्मात्मिज्ञाचार कोई वृत्ति बनी रहे, वो वृत्ति निर्दिष्ट है। ब्रह्म ज्ञान तो वृत्ति निर्दिष्ट है, और भक्ति जो है वो भगवत प्राप्ति होने पर भी भगवदाकार वृत्ति का परित्याग नहीं है, वो तो प्रियता विशिष्ट वृत्ति है, वो कभी त्याग करने की नहीं है। निर्भराम काल से किसी उपाय और उपाय पर निर्भर न रह करके अपने को भाव मुक्त करके भगवान पर छोड़ दो, जो करते हैं वो उसको ठीक है। सदैव सदैव कृते सदैव मंगलाय, भगवान जो करते हैं वही मंगल है। अपने ऊपर कोई बोझ नहीं है कि ये करो ये मत करो, उसको बोलेंगे शक्ति खुदा से छोड़ दे गंगा से छोड़ नाव को छोड़ कर गंगा दिए और गंगा को जो उसको पकड़ने वाला होता है उसको छोड़ दो, किसी खुदा को छोड़ दो गंगा को छोड़ दो, हमको कहाँ रुकना है कहाँ बढ़ना है इसकी कोई अपेक्षा किए बिना जैसे जैसे भगवान चलावे यहाँ से तो बहुत उत्तम वाणी है। यौ ही रसीय कहो क्यों ही हे प्रभु तुम जैसे रखते हो हम वैसे रखते, हमारी कोई इच्छा नहीं हमारी कोई प्रार्थना नहीं, तुम्हारी इच्छा पूरी हो हमारी पूरी। ये जो जितना दुख है जीवन में वो अपनी प्रार्थना के कारण है, हम जैसा चाहते हैं वैसा न हो, तो जैसा नहीं चाहते हैं वैसा होने पर और जैसा चाहते हैं वैसा न होने पर दोनों ही दशा में चित्त में दुख का उदय होता है।